हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गोंडा मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल महेंद्र कुमार व पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा सौहार्द व भाईचारे के त्यौहार ईद उल फितर के अवसर पर सौहार्द एवं शांति बना व्यवस्था हेतु परिक्षेत्रीय जनपद बलरामपुर के उतरौला कोतवाली नगर व मदिया कस्बा आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर व सुरक्षा व शांति कस्बा आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा शांति व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा महेंद्र कुमार व डीआईजी देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा बलरामपुर के विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज से उनके क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ईदगाह स्थलों के बारे में जानकारी ली गई एवं सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि लॉकडाउन का अनुपालन कराया जाए। डीआईजी देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा भ्रमण के दौरान सभी थाना प्रभारी चौकी इंचार्जों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर शांति व सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण क्रम में मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा महेंद्र कुमार व डीआईजी देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा बलरामपुर के उतरौला कोतवाली व कोतवाली नगर का औचक निरीक्षण किया गया। अपराध रजिस्टर को चेक करते हुए अन्य सभी रजिस्टरों के रख रखाव पुलिस कर्मियों के भोजनालय व साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। थाना कोतवाली नगर का निरीक्षण करते हुए थाना परिसर व शौचालय की साफ सफाई को लेकर नाराजगी प्रकट की गई तथा क्षेत्राधिकारी सदर व थाना प्रभारी कोतवाली नगर को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए थाना को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त व डीआईजी द्वारा संबंधित अधिकारियों से कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत बनाए गए आश्रम स्थलों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं और गैर प्रांतों से न आने वाले श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली राशन सामग्री किटों की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर संबंधित क्षेत्राधिकारी एसडीएम सीएमओ व परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।